स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय मामा देव। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छा, वेरी गुड। आज हम एक बढ़िया चीज बनाने वाले हैं। अभी अभी दिवाली गई है, ठीक है, तो हम एक ग्रीटिंग्स कार्ड, दिवाली कार्ड बनाना सिखाते हैं आपको। आपके जो 29 नंबर के पेज पे एक दिवाली कार्ड है, वो कार्ड जिस तरह से बनाया गया है हम उसी तरह का बनाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप अपने आप अपना दिमाग लगा के कुछ डिफरेंट डिजाइन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े पेपर्स रखे हैं, आपको आपके पास जो भी है अलग अलग कलर पेपर्स लेने हैं, सीजर लेनी है आपको, और चिपकाने के लिए गम या फेविस्टिक जो भी आपके पास है, जो भी अवेलेबल घर में है वही चीज आपको यूज करनी है। स्केच पेन, पेंसिल, इरेजर, मार्कर पेन, ऐसा सब कुछ साथ में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लावर्स की डिजाइन दी गई है, हाँ, तो मैं वो ड्रॉ करती हूँ, और वो फ्लावर्स मैं कुछ इस तरीके से नहीं लगाऊंगी, कुछ अलग तरीके से लगा के आपको दिखाऊंगी। आपको पहले ड्रॉ कर लेना है, और जितने भी फ्लावर्स आपको लगाने हैं उतने आपको अलग अलग पेपर में रो करके कट करके एक साथ इकट्ठा करके रखना है। हो गया, और इसको हम कट करेंगे। आपके पास जो भी पेपर है, अलग अलग कलर के पेपर है, या फिर पेपर नहीं है तो आप पुराने मैगजीन या पुराना न्यूज़पेपर जिसमें कलर ऐड हो उस पेपर से भी आप कटिंग कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से सीजर चलानी भी आती होनी चाहिए, हाँ। अगर नहीं आती है तो पहले रफ कोई भी पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें थोड़ा सा कट करना सीख लीजिए, बाद में आपको ये पेपर आपका कोई भी वेस्ट ना जाए इसलिए। इस तरह के अलग अलग आपको जो भी कलर पसंद है, मेरे पास इतने कलर हैं यहाँ पे, मैं इन सब में ड्रॉ करके ऐसे फ्लावर कट करके रखती हूँ। और यहाँ पे जो आपके पास पास में जो जगह दी गई है वहीं पे आपको करना है, लेकिन मैं ये येलो पेज है ना आपके पास, तो आप यहाँ पे कीजिए, या तो कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा कलर पेपर है तो उसको फोल्ड करके बिल्कुल कार्ड जैसा ही आप यहाँ पे बना सकती है, और यहाँ पे कार्ड आपको पूरा चिपका देना है, ठीक है। तो इसमें पीछे गम लगा के इस तरह से लगाना है, और मैंने बहुत सारे यहाँ पे लगा के रखे हैं। ठीक है, इस डिजाइन को मैंने ली है, लेकिन मैंने अपने तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन लीजिए, और सेम जो इसमें है वो नहीं करना है। इस तरह का मैं पेपर बोल रही हूँ, आपके पास कोई भी पेपर है तो बीच में से फोल्ड करके ऐसे कार्ड ही बनाना है, और आपको यहाँ पे चिपकाना है। और यहाँ पे जो मैंने जगह रखी है, मेरे पास छूट गई है जगह, तो मैं वहाँ पे विश कर लिख दूंगी, हैप्पी दिवाली, या फिर भी हैप्पी बर्थडे है, कोई भी ओकेशन पे आप इस तरह का कार्ड बना सकती है, ठीक है। इसमें भी आप क्रिएशन कर सकती है। यहाँ पे मैंने स्केच पेन कलर का यूज किया है। फिर यहाँ पे जो जगह छुपती है वो हम
ये दोनों एक जैसे कलर लग रहे हैं, तो हम फिर से उस पे दूसरे कलर से कर देते हैं। ये हो गया कार्ड कंप्लीट। और बाद में मैंने जो मेरे पास घर पे पड़े हुए थे उसी स्टोन का इस्तेमाल करके बीच में इस तरह से करके थोड़ा अट्रैक्टिव कर दिया है। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इसी तरह का अपने आप दिमाग लगा के कुछ बढ़िया सा ग्रीटिंग्स कार्ड बनाना है। ये मैंने कार्ड बनाना आपको सिखाया और मैंने एक दूसरा कार्ड भी बना के रखा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने जो फ्लावर की डिजाइन ली थी इसके जगह मैंने ये बटरफ्लाई लिया है, और इस तरह से बिट्स मेरे पास पड़े हुए थे तो वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। देखो, ये भी कार्ड बना है। आप इसी तरह से कोई भी पैटर्न ले सकती है।